अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फहमा शरीफ फ्रॉम सियालकोट। मैं इस टाइम पर इनेबलर्स के बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बैच एक्स। मैं यहाँ पर इस टाइम पर अमेज़ॉन की एडवर्टाइजिंग का इनका जो कंसोल है यहाँ पर कुछ चीज़ें वैसे ही रिव्यू करने के लिए आया हुआ था। इवन दो कि हम तकरीबन ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट एज अ रिमाइंडर मैं यहाँ पर आया हुआ था। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली यहाँ पर जो है ना, वो क्या है कि पीपीसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है इस टाइम के ऊपर कि पीपीसी क्या होती है और किस तरह से हम उसको करते हैं, बिडिंग क्या होती है और इनका पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ कि अगर आप लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेना चाहें तो आप अपना अकाउंट अमेज़ॉन के ऊपर बना के पाकिस्तानी आईडी से ही बना सकते हैं और यहाँ पर आके आप लर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो कि बताता है कि आप इस टाइम पर ऑथेंटिक हैं, यानी कि आपने ये वाला पूरा का पूरा इनका प्रोग्राम जो है वो लर्न और गो थ्रू किया हुआ है। तो इसी हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे जहन में तकरीबन नहीं थी, इवन दो कि मैं नेबर्स की क्लास में पढ़ चुका हूँ, लेकिन बस तकरीबन मेरे जहन से निकल चुकी थी, वो ये थी कि बिडिंग सिस्टम जो है अमेज़ॉन का वो किस तरह काम करता है, यानी कि वो किस तरह प्रायोरिटी देते हैं सेलर्स को और कौन से सेलर्स जो हैं वो बिड्स को विन करते हैं और वो कितनी प्राइस पे करते हैं। प्राइस वाला जो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द विनर ऑफ द ऑक्शन विल पे एन अमाउंट स्लाइटली हायर देन द सेकंड हाईएस्ट सीपीसी बिड इफ देयर एड इज क्लिक्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि इनफैक्ट लेट मी ओपन नोटपैड। लेट से कि हम एक कीवर्ड के ऊपर पीपीसी जो है अपनी रन करना चाहते हैं, लेट से कि वो है विटामिन पिल्स, दिस इज़ द कीवर्ड। लेट से कि हम इसके ऊपर अपनी पीपीसी को रन करना चाहते हैं और लेट से कि इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर तीन सेलर्स हैं ओनली जो कि पीपीसी के ऊपर रनिंग कर रहे हैं अपनी बिड्स की भी। तो लेट से कि जी यहाँ पे है सेलर वन, सेलर 2, सेलर 3। तीन सेलर्स हैं यहाँ पर जो कि डिफरेंट बिड्स कर रहे हैं इस टाइम पर। लेट्स से कि पहले वाला कहता है कि जी मैं $0.2 पे करूँगा अपनी बिड को, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट इस वाले कीवर्ड के ऊपर चलाने के लिए मैं $0.2 देने के लिए तैयार हूँ एक क्लिक के लिए। और दूसरा कहता है कि जी मैं $0.4 देने के लिए तैयार हूँ। और जो तीसरा सेलर है वो क्योंकि अभी हार्ड लॉन्च करना चाह रहा है लेट्स से, और वो चाहता है कि जी जो जितने मर्जी सेलर्स हों मुझे ही ये वाली बिड को विन करना है। तो वो कहता है कि जी मैं जीरो पॉइंट तो छोड़े, मैं वो कहता है कि जी मैं $4 पे करूँगा। इनफैक्ट ठीक है, ये $4 पे करने के लिए तैयार है, जहाँ पर अमेज़ॉन का जो सिस्टम है वो उसको कहता है कि जी इस वाले कीवर्ड के ऊपर आपको मिनिमल सी यानी कि 0.2, 0.3, तो तकरीबन अमेज़ॉन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी उसको इतनी ज़्यादा नहीं बता रहा होगा, मार्केट रेट काफ़ी कम है इस वाले कीवर्ड का, तो वो भी कह रहा होगा कि तकरीबन 0.4 या 0.5 तकरीबन इसी के दरमियान आप बिड करें। लेकिन ये बंदा कहता है कि नहीं, मैंने ही इस वाले को जो है वो टारगेट करना है क्योंकि ये इसका मेन कीवर्ड है और वो चाहता है कि वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करें। तो वो कहता है कि जी मैं $4 पे करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके अंदर डिफरेंस देखिएगा कि कितना ज़्यादा है, दो सेलर्स का डिफरेंस इस वाले सेलर के साथ कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो मैं जो जहाँ पे शॉक मुझे लगा वो ये था कि ये बंदा कितने पे कर रहा होगा, क्या वो $4 ही पे करेगा, इवन तो कि मार्केट रेट इतना है ही नहीं, मार्केट रेट तो मैक्सिमम $0.4 जा रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि द विनर ऑफ द ऑप्शन विल पे एन अमाउंट स्लाइटली हायर देन द सेकेंड हाईएस्ट सीपीसी बिड। तो इसके अंदर पहले तो देखना है कि जी हाईएस्ट सीपीसी बिड है किसका, तो वो है ऑब्वियसली सेलर 3 का, ये $4 देने के लिए तैयार है। और जो सेकेंड हाईएस्ट सीपीसी बिड जो है वो है $0.4। तो अमेज़ॉन कह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन जब आपके पास होगी तो जो सेलर विन करेगा इस वाली बिड को जो कि सेलर नंबर 3 है, वो $4 की वजह से विन तो कर लेगा लेकिन वो $4 पे नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 0.4 के आसपास की जो प्राइस है वो पे करेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा स्लाइटली हायर, तो तकरीबन वो 0.5 हो सकता है या 0.6 हो सकता है या 0.7 हो सकता है, तकरीबन इतना ही होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी $4 के आसपास नहीं होगा। वो सेलर 2 जो दूसरे नंबर का जो उनका सेकेंड हाईएस्ट सीपीसी बिड वाला है उसके आसपास होगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो सेलर 3 है वो इधर लेट्स से कि $12 भी हो सकता था, $15 भी, लेट्स से कि वो $15 कह रहा है कि मैं पर क्लिक के लिए पे करूँगा, लेकिन जब वो
इसको विन कर लेगा तो वो $15 बिल्कुल नहीं पे करेगा। वो यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि दी विनर ऑफ द ऑक्शन विल पे एन अमाउंट स्लाइटली हायर देन द सेकेंड हायर CPC। तो ये स्लाइटली हायर तकरीबन 0.5 या इस तरह होगी। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ थी कि जो मैं चाहता था कि मैं खुद भी रिमाइंडेड हूँ, और मैं चाह रहा था कि आप लोग को भी एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ। थैंक यू।